गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज आप लोगों को लग रहा होगा कि सुबह सुबह कहाँ पे निकल दिए हैं। तो सुबह आज बहुत ही अच्छी, हालांकि धूप बहुत है यार। दिल्ली में दो दिन से टेम्परेचर तो ठीक था, बट आज वही हाल है, आप सबको पता है, बहुत ज्यादा गर्मी है। बट अभी जैसा कि मैं बहुत सारे वीडियोज में बताता रहता हूँ कि मेरे पास एक और कार है जिसको मैं एज अ सेकेंडरी व्हीकल यूज करता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, इतनी बड़ी गाड़ी को आप लेके ट्रैफिक में घूम नहीं सकते हो कहीं दिल्ली वगैरह में अगर आप जाते हो। तो कुछ नया प्लान कर रहे हैं, कुछ नई गाड़ी का प्लान कर रहे हैं, तो उसको मैं हटाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि वो जीजे नंबर की मेरी गाड़ी थी। बट ऑलरेडी क्योंकि मैं अभी दिल्ली एनसीआर में सेटल्ड हूँ, तो आप सबको पता है डीजल की लाइफ 10 ईयर्स है, तो ऑलमोस्ट उसको 8-9 ईयर्स हो चुके हैं, तो अभी उसको अलविदा कहने का टाइम आ गया है। हालांकि मैं कहना नहीं चाहता हूँ, बहुत दिल से लगी हुई गाड़ी है, बट अब क्या कर सकते हैं, तो उसका टाइम आ गया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, आपको वो गाड़ी भी दिखाता हूँ क्योंकि वो अभी गैराज में है, प्लस नया कौन सी गाड़ी हम लोग लेने वाले हैं वो भी आपको दिखाते हैं। बने रहिए वीडियो में एंड गाइस सजेस्ट करिए अगर आपको कोई लगता है कि जो गाड़ी मैं ले सकता हूँ। हालांकि एसयूवी में तो मैं नहीं जाऊंगा, तो माइट बी इट इज कॉम्पैक्ट एसयूवी या हैचबैक हो सकती है, तो उसमें अगर कोई भी गाड़ी आपकी फेवरेट हो तो प्लीज डू गाइड अस एंड बने रहिए वीडियो में, दिखाता हूँ अभी आपको। तो गाइज ये है किया कारेंस, देखने तो हम लोग यहाँ पे सोनेट आए थे क्योंकि वही हमारे बजट में फिट होती है, सेल्टोस एंड कारेंस का तो बजट, एंड एक ऑलरेडी बड़ी गाड़ी है तो लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। बट ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी मेरे को स्पेस वाइज, अगर आप 7 सीटर कार देख रहे हो ना, तो मतलब स्पेस वाइज काफ़ी अच्छा है। पीछे की सीट पर ही मैंने बैठ के देखा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 फुट का आदमी आराम से, अगर आप दोनों रो की सीट्स को एडजस्ट करेंगे तो आप लोग आराम से बैठ सकते हैं। प्लस अभी मैं इसकी लाइट्स दिखाता हूँ आपको, आगे से तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है मेरे को गाड़ी है, आगे से तो बहुत। तो ये है बलेनो का टॉप मॉडल जिसमें कि हेडसअप डिस्प्ले आ जाता है एंड एवरीथिंग आ जाता है, तो इसको भी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। बट ये मेरे को उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा जितना कि इसके नीचे वाला वेरियंट है, जो कि मेरे को वैल्यू फॉर मनी लिखा, तो अभी आपको दिखाते हैं वो वेरियंट। तो ये है इसका एक नीचे वाला वेरिएंट, इसमें हेडसअप डिस्प्ले नहीं आता एंड डिस्प्ले थोड़ी सी छोटी आती है कंपेयर टू अदर्स, बाकी फीचर्स सारे आते हैं एंड सेफ्टी वाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिक्स एयर बैग्स आ जाते हैं एवरीथिंग। क्योंकि ये जो मॉडल है ना, वो मेरे को एक्चुअल में वैल्यू फॉर मनी लगा, समवेयर अराउंड 9.5 लाख के आसपास आपको कॉस्ट करता है, बट इसमें सारे फीचर्स भी आ जाते हैं। स्क्रीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे को लगा कि स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है, दैट्स इट, बाकी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है एंड एवरीथिंग आ जाता है इस सेगमेंट में आपके पास। प्लस ग्लव बॉक्स भी आप देखोगे, अच्छा खासा स्पेस इसमें दिया हुआ है, एंड जो वैसे तो हार्ड प्लास्टिक ही यूज़ किया हुआ है डैशबोर्ड में। तो अभी बात कर लेते हैं एक्सटीरियर की, तो गाड़ी के एक्सटीरियर में आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट टॉप मॉडल जैसे ही आपको फील आएगा, बाहर से भी कोई डिफरेंस नहीं है। एंड जो बूट स्पेस है, बूट स्पेस भी इसमें सफिशिएंट दिया, और पीछे से लुक काफ़ी अच्छा लगता है गाड़ी का, एंड सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, डिफॉगर मिल जाता है, वाइपर मिल जाता है। तो एज सच ये जो मॉडल है ना, वो मेरे को ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा। प्लस आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा लेदर का वर्क हुआ है, हालाँकि प्लास्टिक है ये, बट वर्क अच्छा किया हुआ है इन्होंने। एंड अभी आपको दिखाते हैं कि बाहर से इसकी लाइट्स कैसी हैं, तो लाइट्स में भी कोई इशू नहीं है, टॉप मॉडल वाले ही पूरा आपको इसमें आती है, जो भी HID हेलोजन आ जाता है आपको, सॉरी प्रोजेक्टर आ जाता है, प्लस LED पूरे वाइट लाइट्स के साथ LED लाइट्स का आपको कॉम्बिनेशन आ जाता है, केवल फॉग लैम्प नहीं आती, दैट्स इट। तो अभी बात कर लेते हैं अंदर से, तो अंदर से भी आप देखोगे आपको एक साइड में पूरा म्यूज़िक कंट्रोल मिल जाता है, कॉल रिसीव करने का एंड वो मिल जाता है, बट एक साइड क्रूज़ कंट्रोल जो मिस है ये मॉडल में, कि जो आपको नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे लुक एंड फील लेदराइट दिया हुआ है पूरा, एंड काफ़ी अच्छा है, मतलब टच काफ़ी अच्छा है, एंड ब्लूइश कलर का इसमें इंटीरियर दिया हुआ है, एंड जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, और बाकी सारे फीचर्स इसमें आ जाते हैं, कोई इशू नहीं है गाड़ी में। तो अगर आप बलेनो के लिए प्लान कर रहे हो तो ये मॉडल जिसको कि जेट्टा बोलते हैं वो आप देख सकते हो, दिस इज़ मोस्ट वैल्यू फॉर मनी। हाँ, ऑटो डिमिंग ORBM नहीं है, जो मेरे को एक मिसिंग फीचर लगा। स्पेस में बात करूँ तो पीछे का स्पेस काफ़ी अच्छा है, पीछे चार्जिंग पॉइंट भी आपको मिल जाते हैं, पीछे AC वेंट्स भी मिल जाते हैं आपको। तो ये गाड़ी ओवरऑल मेरे को काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगी, एंड अगर मैं इसमें सेफ्टी की बात करूं तो सेफ्टी वाइज भी मेरे को
कंपेयर टू मेरे पास, क्योंकि ऑलरेडी मारुति की गाड़ियां हैं तो काफ़ी हैवी है डोर पैनल एंड बॉडी भी काफ़ी। एक चीज़ जो मेरे को इस गाड़ी में नहीं पसंद आई वो है एलॉय। एलॉय टॉप मॉडल के काफ़ी अच्छे हैं डायमंड कट के, इसके एलॉय ना थोड़े से मेरे को उतना मज़ा नहीं आया। एक तो कलर में भी मज़ा नहीं आया, प्लस नॉर्मल है। आपको दोनों साइड कीलेस एंट्री मिल जाती है इस गाड़ी में। तो अभी बात करते हैं जो मैंने थर्ड कार देखी थी, दैट इज़ ब्रेज़ा, क्योंकि मैं चाह रहा था इसको भी एक्सप्लोर करना कि मेरे को क्या मिलता है। बट बाकी सब ठीक है यार, कार बहुत अच्छी है, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग एंड फीचर वाइज भी ठीक ठाक आ जाता है बेस मॉडल से ही। बट जो फीचर है ना वो मेरे को काफ़ी कम लगे, जैसे इसका डिस्प्ले बहुत छोटा है एंड अदर फीचर्स। तो फीचर वाइज़ ये कार मेरे को उतनी पसंद नहीं आई, हालांकि स्पेस वाइज बेस्ट इन द सेगमेंट है, प्राइस रेंज एंड सेफ्टी भी 4 स्टार है, तो ऐसी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में। बट वही दिक्कत है कि अगर आप कंपेयर करते हो आज की जो गाड़ियों से, तो फीचर वाइज थोड़ी सी मेरे को लेस लगी। तो अभी हम टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं अल्ट्रोज की। टॉप मॉडल एग्जेट प्लस, एग्जेट में नहीं आता डार्क, तब ज़्यादा पैसा डालना पड़ेगा तुम्हें। पेट्रोल है उस हिसाब से थोड़ी तुम्हें पावर कम लगेगी, बाकी तो मतलब स्टेयरिंग मेरे को थोड़ा सा ना इसका हार्ड लगा बहुत, इतना तो साला मेरा हैरियर का भी नहीं हार्ड है भाई। मतलब एक जगह पे जाके ना थोड़ी स्पीड में मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जा रहा है, या तो इस व्हीकल का है तो इशू नहीं है वो नहीं पता मुझे। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं लग रहा हार्ड स्टीयरिंग? नहीं, थोड़ा सा है ना, इतना तो मेरे को अपना जैसे उसका घूमता है ना साए साए ऐसे ऐसे। हाँ नहीं, वो तो खैर अलग चीज़ हो गई, मारुति में तो अलग चीज़ हो जाती है। इसका मुझे लग रहा है ना जो जब स्पीड पे तुम चला रहे हो ना तो ये हैवी कर दे रहा बहुत ज़्यादा स्टीयरिंग को। हाँ बहुत स्पेस वाइज तो ठीक है, पीछे स्पेस तो ठीक है, स्पेस वाइज ठीक है। मतलब ऐसी जैसी बाहर से दिखने में छोटी लगती है ना, उतनी छोटी अंदर से एक्चुअल में है नहीं मेरे हिसाब से। इतना ही अपने बलेनो देखी थी ना, उसमें भी इतना ही स्पेस था। बट ये है प्राइस के हिसाब से ये ज्यादा चीजें ऑफर कर रही है। तो ये है अल्ट्रोज का टॉप मॉडल एग्जेट प्लस, फुल्ली लोडेड विथ फीचर एवरीथिंग, क्रूज एंड एवरीथिंग। सो ये गाड़ी मेरे को बहुत वैल्यू फॉर मनी लगी इन द प्राइस रेंज इफ आई कंपेयर विद बलेनो। तो भाई ये गाड़ी है जो सोच रहे हैं हम फाइनल करने के लिए, तो आप देख सकते हो कैसी है एंड डू कमेंट, बताओ भाई लोगों लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। 5 स्टार रेटेड कार है, एम्बियंट लाइट है, फुल्ली लोडेड है विथ फीचर्स एंड स्पेस भी बाहर से आपको देख के लगेगा कि थोड़ा सा स्पेस कम है, पर जब आप अंदर बैठोगे ना तो गाड़ी में बहुत ही अच्छा स्पेस है। और ये यहाँ पे ऑटो डिमिंग ORVM भी मिल जाते हैं, इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है और इसमें मोड्स भी मिल जाते हैं। तो इसके अगर मैं बूट स्पेस की भी बात करूँ ना, तो इसमें बूट स्पेस भी कंपेयर टू बलेनो ज़्यादा है, 345 लीटर का बूट। हालांकि ये गाड़ी देखने में अगर आप इस गाड़ी को बाहर से देखोगे ना तो आपको काफ़ी छोटी लगेगी, बट अंदर से ये काफ़ी स्पेशियस है। लेग स्पेस भी इसका, पीछे की सीट में कम्फर्ट भी काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू बलेनो, एंड इसका डिग्गी का जो साइज़ है वो भी ज़्यादा है। लाइट्स इसकी बहुत ही अग्रेसिव लगती है मेरे को, लुक आगे से काफ़ी अग्रेसिव है, एंड ये गाइस प्रीमियम हैचबैक में आती है इन कैटेगरी। अभी हम आ चुके हैं वापस, तो अभी जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देख ही चुका होगे कि हम लोगों ने बहुत सारी गाड़ियां चेकआउट की। तो पहले तो मैं सोनेट देखने गया, बट सोनेट का प्राइसिंग मेरे बजट में नहीं आ रहा था, बिकॉज आप सबको पता है कि मेरा जो बजट है वो 10 लाख तक का है। मैं 10 लाख के अंदर कोई गाड़ी देख रहा हूँ मेरे लिए सेकेंड, तो उसके अंडर में सोनेट की थोड़ी मेरे को प्राइसिंग ज़्यादा लगी काफ़ी। देन मैं फिर दूसरे शोरूम गया, नेक्सा गया, जहाँ पे मैंने बलेनो चेकआउट की। तो एक बलेनो है जिसको मैंने फाइनलाइज किया है, एंड दूसरी मैंने ब्रेज़ा भी देखी जैसा कि आप लोग देख सकते हो। बट ब्रेज़ा में मेरे को कुछ खास उतना, मतलब फीचर वाइज इतना कुछ खास मजा नहीं आया। जो सबसे लास्ट गाड़ी जो मुझे बहुत समझ में आई है, दैट इज अल्ट्रोज, क्योंकि अल्ट्रोज मेरे बजट में एकदम फिट हो रही है। जो अल्ट्रोज का टॉप एंड है जिसको कि एग्जेट प्लस बोलते हैं, सो एग्जेट प्लस भी उस बजट के अंदर आ जा रही है विद फुल्ली लीडर लोडेड एंड फीचर्स, 5 स्टार रेटिंग, तो एवरीथिंग। सो ये 2-3 गाड़ियां हैं जो अभी मैंने शॉर्टलिस्ट की है,
तो इसके बाद मैं फाइनलाइज करूंगा कि मैं कौन सी पे जा रहा हूं। तो गाइज डू कमेंट कि मेरे को कौन सी लेनी चाहिए, आपको क्या लगता है कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। अभी फाइनली हम जा रहे हैं अपने मेकओवर के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो कैसी हालत हो गई है, बियर्ड काफी बड़ी हो गई है, हेयर्स काफी बड़े हो गए हैं। तो अभी मेकओवर कराएंगे अपना एंड फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो भाइयों, थोड़ा सा प्यार दिखाओ भाई को।